मेरे प्यारे देशवासियों, आज नई शिक्षा नीति बहुत एक मात्रा में कई राज्यों ने उसको अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं और उसके कारण आज एक 21वीं सदी के अनुरूप हमारी शिक्षा व्यवस्था को जो हम बल देना चाहते हैं और विकसित भारत के सपने के लिए जिस प्रकार से मानव समूह तैयार करना चाहते हैं, नई शिक्षा नीति बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहां ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है, फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि नई शिक्षा नीति ने मातृभाषा पर बल दिया है। मैं राज्य सरकारों से कहूंगा, मैं देश की सभी संस्थानों से कहूंगा कि भाषा के कारण हमारे देश की टैलेंट को रुकावट नहीं आनी चाहिए, भाषा अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा का सामर्थ्य हमारे देश के छोटे छोटे गरीब से गरीब मां के बेटे को भी सपने पूरा करने का ताकत देता है और इसलिए हमने हमारी मातृभाषा में पढ़ाई, जीवन में मातृभाषा का स्थान, परिवार में मातृभाषा का स्थान, उसकी ओर हमें बल देना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, जिस प्रकार से आज विश्व का बदलाव नजर आ रहा है और तब जाकर के स्किल का महत्व बहुत बढ़ गया है और हम स्किल को और नई एक ताकत देना चाहते हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रख करके हम स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम जीवन के हर क्षेत्र में, हम एग्रीकल्चर सेक्टर में भी कैपेसिटी बिल्डिंग करके रखने के लिए स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं। हम तो हमारा सफाई का क्षेत्र हो उसमें भी एक नए स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना चाहते हैं और हम स्किल इंडिया प्रोग्राम को बहुत व्यापक रूप से इस बार लेकर के आए हैं। बजट में भी इसका बहुत बड़ा, इस बजट में इंटर्नशिप को भी हमने बल दिया है ताकि हमारे नौजवानों को एक एक्सपीरियंस मिले, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो और बाजार में उनका ताकत दिखाई दे। उस प्रकार से मैं स्किल युवाओं को तैयार करना चाहता हूं और जैसे कई बार, और दोस्तों आज विश्व की परिस्थिति को देखते हुए मैं साफ साफ देख रहा हूं कि भारत का स्किल्ड मैन पावर जो है, हमारा स्किलफुल जो नौजवान है, वो ग्लोबल जॉब मार्केट में अपनी धमक बनाए हम उस सपने को लेकर के आगे चल रहे हैं। साथियों, विश्व देश तेजी से बदल रहा है, जीवन के हर क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी का महत्व बढ़ता चला जाने वाला है। हमें साइंस को बहुत बढ़ देने की आवश्यकता है और मैंने देखा चंद्रयान की सफलता के बाद हमारे स्कूल कॉलेज के अंदर साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति एक नई रुचि का वातावरण बना है, नई दिलचस्पी बढ़ी है। तब हमारे शिक्षा संस्थानों ने ये जो मनोभाव बना है उसको नर्चर करने के लिए आगे आना होगा। भारत सरकार ने भी रिसर्च के लिए सपोर्ट बढ़ा दिया है, हमने ज्यादा से ज्यादा चेयर स्थापित किए हैं, हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना करके हमने उसको एक कानूनी परिवेश में ला करके स्थायी रूप से एक व्यवस्था विकसित की है
ताकि रिसर्च को लेकर के निरंतर बल मिले और ये रिसर्च फाउंडेशन उस काम को करे। मेरे बड़े बड़े गर्व की बात है कि बजट में हमने 1,00,000 करोड़ रुपया रिसर्च और इनोवेशन के लिए हमने देने का निर्णय किया है, ताकि हमारे देश के नौजवान के पास जो आइडियाज है उस आइडियाज को हम जमीन पर उतार पाए। साथियों, आज भी हमारे देश में मेडिकल एजुकेशन के लिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं। वैसा कहा हमारे बड़े वो ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के, उनके लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और तब जाकर के हमने पिछले 10 साल में मेडिकल सीटों को करीब करीब 1,00,000 कर दिया। आज मैं करीब करीब 25,000 युवा हर साल विदेश में मेडिकल एजुकेशन के लिए जाते हैं, और ऐसे ऐसे देश में जाना पड़ रहा है कभी कभी जो मैं सोच सुनता हूं तो हैरान हो जाता हूं। और इसलिए हमने तय किया है कि अगले 5 साल में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें बनाई जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चलाया है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है, पोषण को हमने प्राथमिकता दी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी कृषि व्यवस्था को ट्रांसफॉर्म करना बहुत जरूरी है, समय की मांग है। हम सदियों से जिस परंपरा में दबे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, उससे मुक्ति पानी होगी, और हमारे किसानों को उसके लिए हम मदद भी दे रहे हैं। हम उसको ट्रांसफॉर्म करने की दिशा में लगातार काम करते आए हैं। आज आसान ऋण दे रहे हैं किसानों को, टेक्नोलॉजी की मदद दे रहे हैं, किसान जो पैदावार करता है उसको वैल्यूएडिशन के लिए हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मार्केटिंग के लिए पूरा प्रबंध करते हैं, ताकि उसको एंड टू एंड हर जगह पे हैंड होल्डिंग की व्यवस्था हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज जब धरती माता के प्रति सारा विश्व चिंतित है, जिस प्रकार से उर्वरक के कारण हमारी धरती माता की शहद दिनों दिन बिगड़ता जा रही है, हमारी धरती माता की उत्पादकता क्षमता खत्म होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है, और उस समय मैं मेरे देश के लाखों किसानों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है और हमारी धरती माता की सेवा करने का भी उन्होंने बीड़ा उठाया है। और इस बार बजट में भी हमने प्राकृतिक खेती को बल देने के लिए बहुत बड़ी योजनाओं के साथ बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया की स्थिति में देखता हूं पूरा विश्व होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ मुड़ रहा है, और तब उनको ऑर्गेनिक फूड ये उनकी प्रथम पसंद बनी है। आज विश्व के लिए ऑर्गेनिक फूड का अगर कोई फूड बास्केट बन सकता है तो मेरे देश का किसान बना सकता है, मेरा देश बन सकता है। और इसलिए हम आने वाले दिनों में उस सपने को लेकर के आगे चलना चाहते हैं, ताकि ऑर्गेनिक फूड की जो विश्व की मांग है उस ऑर्गेनिक फूड का बास्केट हमारा देश कैसे बने, किसानों का जीवन आसान बने, गांव में टॉप क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले, किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, किसान के बच्चों को पढ़ने के लिए स्मार्ट स्कूल अवेलेबल हो, किसान के बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो, छोटी छोटे खेती के टुकड़ों पर पूरा परिवार आज जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनके नौजवानों के लिए वो स्किल मिले ताकि उनके नए रोजगार मिले, नए आय के साधन बने, इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रयास हम कर रहे हैं। बीते वर्षों में वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर हमने काम किया है, इनोवेशन हो,
एम्प्लॉयमेंट हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं। महिलाएं सिर्फ भागीदारी बढ़ा रही है ऐसा नहीं, महिलाएं नेतृत्व दे रही है। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती है, और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं, इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में ऐसी एक आदत बन गई थी, स्वभाव से हम देश को कम आंकना, देश के प्रति गौरव के भाव का अभाव होना, ये पता नहीं क्यों हमारे जहन में घुस गया था। और हम तो कभी कभी तो लेट आए तो कहते थे इंडियन ट्राइब, शर्म के साथ हम बोल देते थे। देश को इन चीजों से हमने बाहर लाने में सफलता पाई है। किसी जमाने में कहा जाता था, अरे खिलौने भी बाहर से आते थे, वो दिन देखे हमने। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे देश के खिलौने दुनिया के बाजार में अपनी थमक लेकर के पहुंच रहे हैं। खिलौने हमारे एक्सपोर्ट होने शुरू हुए। तो एक जमाना था हम मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बना है, एक बहुत बड़ा हब बना है, और आज हम मोबाइल फोन दुनिया में एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ये भारत की ताकत है। साथियों, भविष्य के साथ सेमीकंडक्टर जुड़ा हुआ है, आधुनिक टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है, एआई जुड़ा हुआ है। हमने सेमीकंडक्टर मिशन पर काम शुरू किया है। हर उपकरण में मेड इन इंडिया चिप क्यों न हो, क्यों ये सपना मेरे देश का नौजवान देखे। टैलेंट यहां है, सारे इस प्रकार के रिसर्च काम हिंदुस्तान में होते हैं, तो प्रोडक्शन भी हिंदुस्तान में होगा, सेमीकंडक्टर का काम भी हिंदुस्तान में होगा, और हम एंड टू एंड सॉल्यूशन दुनिया को देने की ताकत रखते हैं, और हम उसको का साथियों, एक जमाना हमने देखा है 2G के लिए हम कैसा संघर्ष करते थे, आज हर उपकरण में हम देख रहे हैं हम तेजी से आगे बढ़े। और 5G जिस तेजी से पूरे देश में रोल आउट हुआ, हिंदुस्तान के करीब करीब सभी क्षेत्रों में 5G पहुंच गया, वो विश्व में तेज गति से 5G पहुंचाने में हम आगे रहे। और देश साथियों, मैंने कहा हम रुकने वाले नहीं है, 5G पर रुक जाना हमें मंजूर नहीं है, हम 6G पर अभी से मिशन मोड में काम कर रहे हैं, और विश्व में हम उसमें भी अपनी धमक जमाएंगे, ये मैं विश्वास से कहता हूं। मेरे प्यारे साथियों, डिफेंस सेक्टर हमारी आदत हो गई थी, डिफेंस बजट कितना ही क्यों ना हो, लेकिन कभी कोई सोचता नहीं था कि डिफेंस बजट बढ़ा तो जाता कहां है, डिफेंस बजट विदेशों से खरीदी में चला जाता था।
अब हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर बने। और मैं हमारी डिफेंस फोर्सेस का हृदय से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने हजारों ऐसी चीजें लिस्ट कर दी है, उन्होंने तय किया है कि हम विदेश से नहीं लाएंगे। राष्ट्र के लिए जीना क्या कहते हैं, ये हमारे सेना के जवानों ने दिखाया है। और उसके कारण डिफेंस के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की पहचान बनी है। और मैं आज खुशी से कह सकता हूं कि जो देश कभी डिफेंस की हर छोटी मोटी चीज बाहर से लाता था, आज धीरे धीरे दुनिया के कई देशों में हम जो डिफेंस के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो हम एक्सपोर्ट करने लगे हैं। दुनिया में डिफेंस हब मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में हम धीरे धीरे उभर रहे हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि रोजगार के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। आज पीएलआई स्कीम को बहुत बड़ी सफलता मिली है, एफडीआई रिफॉर्म्स उसने भी हमें बहुत बड़ी ताकत दी है, एमएसएमईज को बहुत बड़ा बल मिला है, नई व्यवस्थाएं विकसित हुई है और उसके कारण हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हम दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने। जिस देश के पास इतनी नौजवान शक्ति हो, जिस देश के अंदर ये सामर्थ्य हो, हम मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में भी इंडस्ट्री 4.0 में हम बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे जाना चाहते हैं। और इसके लिए आवश्यक स्किल डेवलपमेंट, उस पर भी हमने बल दिया है। और स्किल डेवलपमेंट में भी हमने नए मॉडल तय किए हैं, हमने जन भागीदारी को जोड़ा है ताकि तुरंत रिक्वायरमेंट के अनुसार स्किल डेवलपमेंट हम कर सके। और मुझे विश्वास है, मैं लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जो भारत इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा, दुनिया उसकी तरफ देखती होगी। आज विश्व की बहुत बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती है। ये चुनाव के बाद मैंने देखा, मेरे तीसरे कार्यकाल में जितने लोग मुझसे मिलने के लिए मांग कर रहे हैं वो ज्यादातर निवेशक लोग हैं, विश्व भर के निवेशक हैं, वो आना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं। ये एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्पष्ट नीति निर्धारित कीजिए, गुड गवर्नेंस का आश्वासन दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए उनको भरोसा दीजिए। हर राज्य एक तंदुरुस्त स्पर्धा में आगे आए, राज्य राज्य के बीच निवेशकों को खींचने के लिए स्पर्धा होनी चाहिए, निवेशकों के लिए, ताकि उनके राज्य में निवेशक आएंगे, उनके राज्य के नौजवानों को स्थानीय रूप से अवसर मिलेगा, रोजगार का अवसर मिलेगा। नीतियों में परिवर्तन लाना चाहिए तो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के अनुसार नीतियों को राज्यों ने परिवर्तित करना चाहिए। लैंड की आवश्यकता है तो राज्यों ने लैंड बैंक बनानी चाहिए। गुड गवर्नेंस सिंगल पॉइंट पर काम करने के लिए राज्य जितने प्रोएक्टिव होंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, जो निवेशक आ रहे हैं वो कभी भी वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ भारत सरकार से काम ये होता नहीं है, राज्य सरकारों की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट लगने वाला है उस राज्य में लगने वाला है, उसको हर राज्य के साथ रोजमर्रा का काम पड़ता है। और इसलिए मैं राज्यों से आग्रह करूंगा कि जब विश्व पूरा भारत की तरफ आकर्षित हो रहा है, विश्व पूरा भारत में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है, तब ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारी पुरानी आदतें छोड़ करके स्पष्ट नीति के साथ हम आगे आए। देखिए, आपको परिणाम अपने राज्य में दिखाई देगा और आपका राज्य भी चमक उठेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, भारत अपनी बेस्ट क्वालिटी के लिए पहचानी जाए, ये बहुत जरूरी है। अब विश्व के लिए हमें डिजाइन ऑफ इंडिया का क्षेत्र, डिजाइन इन इंडिया, इस पर हमने बल देना है, हमें कोशिश करनी है। अब इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनने चाहिए, इंडियन स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनेंगे तब हमारी हर चीज को सहजता से मोहर लग जाएगी। और यह हमारे प्रोडक्शन की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारी सेवा की क्वालिटी पर निर्भर करेगा, हमारे अप्रोच की क्वालिटी पर निर्भर करेगा। और इसलिए हमें क्वालिटी पर बल देकर के आगे बढ़ना है। हमारे पास टैलेंट है, डिजाइन के क्षेत्र में हम दुनिया को बहुत कुछ नया दे सकते हैं। डिजाइन इन इंडिया
इस आह्वान को लेकर के हमें अब आगे चलना है। डिजाइन इन इंडिया एंड डिजाइन फॉर द वर्ल्ड, इस सपने को लेकर के चलना है। मैं देख रहा हूं गेमिंग की दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट खड़ा हुआ है, लेकिन आज भी गेमिंग की दुनिया पर प्रभाव, खास करके उन खेलों को बनाने वाले लोग, प्रोडक्ट करने वाले लोग, विदेशी कमाई होती है। भारत के पास बहुत बड़ी विरासत है। हम गेमिंग की दुनिया में बहुत नई टैलेंट को लेकर के आ सकते हैं। विश्व के हर बच्चे को हमारे देश के बनी हुई गेमिंग की ओर आकर्षित कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के बच्चे, भारत के नौजवान, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, भारत के एआई के प्रोफेशनल्स, वे गेमिंग की दुनिया को लीड करें। खेलने में नहीं, गेमिंग की दुनिया में हमारे प्रोडक्ट पूरे विश्व में पहुंचने चाहिए और पूरी दुनिया में हमारे एनिमेटर्स काम कर सकते हैं। एनिमेशन की दुनिया में हम अपनी दाग जमा सकते हैं। हम उस दिशा में काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों, आज विश्व के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हर क्षेत्र में चिंता और चर्चा का विषय रहता है। भारत ने उस दिशा में काफी कदम उठाए हैं। हम विश्व को आश्वस्त करते रहे हैं और शब्दों से नहीं, अपने कार्यों से, प्राप्त परिणामों से हमने विश्व को आश्वस्त भी किया है और विश्व को आश्चर्यचकित भी किया है। हम ही हैं जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी पर विस्तार किया है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी को एक नई ताकत दी है। आने वाले कुछ वर्षों में हम नेट जीरो फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुझे याद है पेरिस अकॉर्ड में जिन देशों ने अपने लक्ष्य निर्धारित किए थे, आज मैं लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों की ताकत दुनिया को बताना चाहता हूं। G20 देश के समूह जो नहीं कर पाए, वो मेरे देश के नागरिकों ने करके दिखाया, मेरे देशवासियों ने करके दिखाया है, हिंदुस्तान ने करके दिखाया है। पेरिस अकॉर्ड के अंदर जो टारगेट हमने तय किए थे, उन टारगेट को समय से पहले पूरा करने वाला G20 देशों के समूह में अगर कोई है तो एकमात्र मेरा हिंदुस्तान है, एकमात्र मेरा भारत है। और इसलिए गर्व होता है साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट हमने पूरे किए। हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी को 500 गीगावाट तक ले जाने के लिए मकसद से काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा लक्ष्य है। दुनिया के लोग सिर्फ 500 गीगावाट शब्द सुनते हैं ना तो मेरी तरफ ऐसे ऐसे देखते हैं, लेकिन आज मैं विश्वास से कह रहा हूं देशवासियों को कि इस लक्ष्य को भी हम पूरा करके रहेंगे। और ये मानव जाति की भी सेवा करेगा, हमारे भविष्य की भी सेवा करेगा, हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनेगा। हमने 2030 तक हमारी रेलवे को नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उसको एक नई ताकत देने वाली है और ये बदलाव का फल मेरे देश के सामान्य परिवार को मिला, विशेष करके मेरे मध्यम वर्ग को मिलेगा जब उसका बिजली का मुफ्त हो जाए, बिल मुफ्त हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल उसकी मांग बढ़ती जा रही है। जब पीएम सूर्य घर योजना से वो बिजली उत्पादन करता है सूर्य से, तो उसका व्हीकल का प्रवास का खर्चा भी वो कम कर सकता है। साथियों, हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर के एक ग्लोबल हब बनना चाहते हैं। बहुत तेजी से नीतियां बनाई गई हैं, बहुत तेजी से उसका इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और भारत ग्रीन हाइड्रोजन एक न्यू एनर्जी की दिशा में हम जाना चाहते हैं। और ये सारे जो प्रयास चल रहे हैं, क्लाइमेट की चिंता तो है ही है, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता है, लेकिन इसके अंदर ग्रीन जॉब्स की बहुत बड़ी संभावना है। और इसलिए आने वाले कालखंड में ग्रीन जॉब्स का महत्व बढ़ता है, तो उसको सबसे पहले कैप्चर करने के लिए, मेरे देश के नौजवानों को अवसर देने के लिए, और ग्रीन जॉब्स के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं।